वेलकम बैक टू माय शो प्राइम टाइम। मैं हूं रवीश और लेके आया हूं आपका वही प्रोग्राम। जैसे भारत, जैसे हम जानते हैं कि भारत जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही भारत में नए पार्टियों के आगमन यूं ही बढ़ रही है। आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ पैनल में मौजूद है मिस्टर अभिषेक जो है हमार पार्टी से। नमस्ते आप लोगों को, बहुत बहुत नमस्ते। मैं हूँ पार्टी ABC से, पहले एक नया पार्टी है कि आप लोग देख रहे हैं। तो पहले अभिषेक जी आप बताएंगे कि हाँ आप कौन हैं और मतलब कैसे आपने नए पार्टी बनाने की ये सोच रखी है। हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपना देना शुरू किया था। मैं पार्टी ABC से आया हुआ हूँ। पार्टी ABC एक ऐसा पार्टी है जो मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टियाँ या बड़े पार्टियाँ हैं जो मतलब देश के साथ गद्दारी करते हैं, मतलब देश को लूट रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मैं आया। और ABC पार्टी जो है पढ़े लिखे लोगों का पार्टी है, हमारे जैसे युवाओं का पार्टी जो पढ़ा लिखा है छोड़ के आया। और देखिए अभिषेक जी, और मेरा शरीर देखिए, ये मतलब साधारण कपड़ा में जो लड़का रहता है, जो गरीबी से जूझा हुआ है, जो सिंपल परिवार से है, उसका पार्टी है, न कि लुटेरों का पार्टी। मतलब आपसे आप ये कहना चाहते हैं कि क्या एक गरीब का बच्चा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ पैसे वाले ही भ्रष्टाचारी करते हैं? नहीं, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, जिसके जहन में भ्रष्टाचार नहीं होगा वो ईमानदार होगा, जिसके जहन में भ्रष्टाचार होगा वो ईमानदार नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, मेरे यहाँ बहुत सारे मतलब मिडिल फैमिली से लोग आते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, मिडिल फैमिलीज होने के बावजूद उनके जहन में भ्रष्टाचार है। वो उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और वो स्कॉलरशिप निकलवा लेते हैं गलत फर्जी कागज बनवा के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये कर रहे हैं ये देश के साथ गद्दारी। आप ये सोच रहे हैं कि नेता लूट रहा है, ये लूट रहा है, वो लूट रहा है, तो मैं भी लूटूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि देश से आपको प्यार है तो आप खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे भ्रष्टाचार नियंत्रण कीजिए, न कि पूरे देश को देखिए। जैसे अभिषेक जी आ रहा है, जैसे आपके राजनीति गुरु अन्ना हजारे जी ने ये कहा था जब आपने नए पार्टी बनाने की आपने सोची थी कि राजनीति एक दलदल है और यहाँ जो जाता है वो फंस जाता है। देखिए क्या आज उनकी बात सही होती नजर आ रही है? देखिए, अन्ना हजारे का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन आप यदि राजनीति में, अरविंद केजरीवाल भी आए राजनीति में, उन्होंने आके ये बोला कि मैं दलदल में हूँ, दलदल साफ करने आया हूँ, और उन्होंने शुरू में करने का कोशिश भी किया, लेकिन उनके पार्टी के अंदर देखिए आप मतलब नहीं रह पाया, जो फाउंडेशन सब समझ बूझ होना चाहिए वो नहीं रह पाया। उसका एक कारण था कि सब में मतलब जितने भी लोग थे वो महत्वाकांक्षी आदमी आ गए थे, मतलब अलग अलग जगह से महत्वाकांक्षी लोग आ गए थे, और उन्होंने उन्हें देश के लिए उतना प्रेम नहीं था जितना खुद से प्रेम था। तो आप खुद से प्रेम मत बनाइए, देश से प्रेम बनाइए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस राजनीति की दलदल में घुसकर और आप इसे साफ करेंगे? राजनीति कोई दलदल नहीं है, दलदल हम लोग उसको बना दिए हैं, यहाँ का जनता है। देखिए डेमोक्रेसी हम लोग भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस अपना शहीद होके देश को आज़ाद करवाए, आप जानते हैं, और बहुत उन्होंने कष्ट सहा। भगत सिंह के बारे में आप जानते होंगे, 65 दिन भूखे रहे, तो उन्होंने इतना कष्ट सह के हम लोगों को आज़ादी दी, और उसको हम लोग मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे देश का मतलब अभी भी गुलामी हो रहा है, दूसरे देश से सामान मंगवाना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ बंद होना चाहिए देश में। इसके लिए मैं नया पार्टी आया हूँ, ABC। ABC का मतलब आपको हम अब बता देते हैं, आपके चैनल के द्वारा मैं जनता में पहुँचाना चाहता हूँ, ABC इज द ABC ऑफ राजनीति, मतलब राजनीति का ABC सिखाया जाएगा जितना भी राजनीतिक है उनको। ABC हमें राजनीति सिखाएगी और फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ वो ऐसे ही बढ़ेगी जैसे बाकी पार्टियां बढ़ती हैं। भ्रष्टाचार की तरफ कोई नाम ही नहीं है, भ्रष्टाचार मतलब तो जा ही नहीं सकते मेरे पार्टी। मतलब आप देखिए, हम उन लोगों को चुन के ला रहे हैं पार्टी में, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उधर बैठे हुए हैं, तो वो दोस्त को हम लाना चाहते हैं जो देश के लिए सिर्फ सोचे, न कि खुद के लिए सोचे, और देश के लिए वो आदमी सोच सकता है जो खुद में महत्वाकांक्षी ना हो, सब कुछ त्याग दिया, उसके अंदर ये चीज नहीं हो कि पद बड़ा नहीं होता, देश का रक्षा, देश का मतलब गौरव बढ़ाना वो ज्यादा बड़ा है, चाहे आपका नाम हो कि नहीं। आप नाम के लिए राजनीति मत कीजिए, आप देश की सेवा के लिए राजनीति। जब देश की सेवा की बात आती है तो जरूरी नहीं कि हाँ हम राजनीति में आकर ही देश की सेवा करें, देश की सेवा कहीं भी हो सकती है अभिषेक बाबू, लेकिन आप पार्टी आपके बनाने के पीछे कहीं ये सत्ता भोगी जैसी कोई चीजें तो आपको नहीं जकड़ी हुई है? क्या आप उस सत्ता को भोगना नहीं चाहते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल भोगने की चाह में आए? देखिए, सत्ता मतलब कोई आदमी भोगने के लिए आता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी आए देश को आज़ाद किए, बहुत बड़े काम किए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने देश को बहुत कंट्रीब्यूट किया। केजरीवाल जी भी आए, सही शुरू में बहुत अच्छे लगे,
लेकिन माहौल के साथ, माहौल के साथ एक तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि आपने अरविंद केजरीवाल को अपना राजनीतिक गुरु माना है। मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन था 4 महीना पहले, जब पार्टी मैंने फॉर्मेशन नहीं की, और मैंने उनको देखा कि वो दिल्ली के, मतलब दिल्ली में ही कंसंट्रेट है, और बाहर उनको लोग मतलब उस तरह से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि वो जो खुद वसूल बनाते उससे मुकर जाते हैं, आज वसूल बनाया कल मुकर गए, खुद उनके पार्टी में ऐसे ऐसे आदमी है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल मेरे पार्टी में आए, मैं उन्हें अपना पद दूंगा, मुख्यमंत्री का पद बना, मैं खुद नहीं बन रहा हूँ क्या, मैं खुद ने, मैंने पार्टी बनाई है लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा पार्टी, मतलब मैं खुद मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और मैं किसी योग्य आदमी जो मेरे से योग्य, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आइए आप मेरे से योग्य, आप बनिए मुख्यमंत्री, मैं क्यों बनूंगा। अच्छा नेताजी, अब हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, और छोटे से ब्रेक के बाद ठीक है बात करेंगे ऑडियंस से। ठीक है, नमस्कार।